नीतीश, अभी आपने रिपोर्ट का जिक्र किया, 500 पन्नों की ये रिपोर्ट है जिसे तैयार किया गया है एसआई की टीम की तरफ से, जो बताएगी कि आखिरकार ज्ञानवापी का सच क्या है, हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है उसमें हकीकत कितनी है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो कहा गया क्या वाकई सच है, वही बातें जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है शुरू से, क्योंकि वो तो विरोध में रहा, वो नहीं चाहता था कि सर्वे हो, लेकिन उसके बाद भी अभी जैसा कि आप कुछ यहां पर वादियों से बात कर रहे थे, उन्होंने एक बार फिर से उनके अंदर वही कॉन्फिडेंस है, वो उसी बात का जिक्र करें, उन सबूतों का जिक्र कर रहे हैं जो अंदर से मिले हैं, यानी ये 500 पन्नों की रिपोर्ट ही काफी महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पे और आपको बता दें कि जिस तरह से 500 पेज की रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं खास तौर पे मायने रखती है, और अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन भी आपके सामने देखिए आ गए हैं, तो आप समझते हैं, देखते हैं उसको। तो आपको क्या लगता है कि मतलब विष्णु जी आज की रिपोर्ट में क्या हो सकता है? देखिए, ये तो कोई नहीं आकलन लगा सकता है कि रिपोर्ट में क्या होगा, जब तक कोई रिपोर्ट नहीं, हम जानना चाहेंगे। नहीं, मुझे उम्मीद यही है कि जो सच्चाई थी 90 दिन की, वो सच्चाई उस रिपोर्ट में लिखी होगी, और हम लोग जब रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसका पूरा अवलोकन कर पाएंगे। अच्छा, आप सब ये चीज समझाना चाहेंगे कि आप ये सार्वजनिक करने से रोक लगाइए। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को सील कवर में फाइल करने के लिए ना कहा है, ना वो रिपोर्ट एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, तो इसीलिए जो रिपोर्ट फाइल हो रही है उसको हम लोग देखेंगे कि उसका क्या, उसको अवलोकन करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे। काशी से लेकर रिपोर्ट सार्वजनिक करने से मुस्लिम पक्ष, क्योंकि रिपोर्ट में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो उनकी मस्जिद। अच्छा, कितने पेज हो सकते हैं? मुझे इसका कोई आइडिया नहीं, जब मैं एक बार कोर्ट में जा रहा हूँ, आपके सामने ही जा रहा हूँ, और कोर्ट में जाके एक बार रिपोर्ट देखूंगा तब मुझे क्लियर होगा। अच्छा, जिस तरह से पूरे सर्वे के दौरान एकदम सामने आएगा, और जो एडवोकेट कमीशन की चीजों में हुआ था उससे ज्यादा चीजें इस रिपोर्ट में स्पष्ट होंगी। क्या लगता है एडवोकेट कमीशन के सर्वे के दौरान जो चीजें हुई थी, तो बहुत बड़ा आधार बनेगी, और एएसआई की रिपोर्ट हमेशा एक एक्सपर्ट ओपिनियन का काम करती है, एएसआई ने बहुत मशक्कत करके 90 दिन का सर्वे किया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है एक अच्छी रिपोर्ट आएगी, और एक बार हम लोग भी रिपोर्ट का अवलोकन कर लेते हैं फिर आपको बताएं। तो जिस तरह से सवाल फिर एक बार की अयोध्या को, जिस तरह से कहीं ना कहीं जांचने में मदद मिली थी एएसआई सर्वे को, अयोध्या के रिपोर्ट में जिस तरह से एएसआई सर्वे आधार बना था, ये भी आधार बनेगी? बिल्कुल आधार बनेगी, और एएसआई क्या रिपोर्ट दे रही है, क्या ओपिनियन है, ये तो पता चलेगा उस समय। तो अब उम्मीद, और विष्णु शंकर जैन आप देखिए यहाँ पर कोर्ट की ओर जाते हुए, और ये आगे टर्निंग पॉइंट होगा इस केस का, टर्निंग पॉइंट होगा, तो किस तरीके से टर्निंग पॉइंट हो सकती है ऐसा रिपोर्ट, ये देखते हैं एक बार रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आपको बताएंगे। अच्छा, जो ये पूरा केस, जो ये काफी बड़ी रिपोर्ट है, काफी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। अच्छा, जिस तरह से ये पूरा केस सामने है विष्णु जी, तो कितना, तो आप देखें यहाँ पर आपको विष्णु शंकर जैन और इसके साथ जो महिलावादी गण हैं और सारे अधिवक्ता, और इसके साथ आप देखें यहाँ पर जो हिंदू पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, वो आप कोर्ट परिसर की ओर जाते हुए, और थोड़ी ही देर में एएसआई की टीम और उसके अधिवक्ता भी कोर्ट में जाएंगे, और जिस तरह से आकांक्षा आप जिक्र कर रहे थे कि कितना और समय, तो कुछ ही क्षण और रह गए हैं, और उसके बाद जब एएसआई की टीम अपने अधिवक्ता के साथ कोर्ट परिसर में प्रवेश करेगी, कोर्ट परिसर में यानी जो कोर्ट रूम है वहां की मैं बात कर रहा हूं, हालांकि आपको अपडेट बता दूं कि कोर्ट परिसर में एएसआई की टीम मौजूद है, उनके अधिवक्ता मौजूद है, और कुछ ही देर में वो जो कोर्ट रूम है वहां तक पहुंचेंगे, तो उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें अभी का अपडेट कि अधिवक्ता हिंदू पक्ष विष्णु शंकर जैन और इसके साथ ही महिलावादी और अन्य अधिवक्ता अब कोर्ट रूम की ओर रवाना हो चुके हैं। आकांक्षा, तो देखिए नीतीश वहां से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, और अभी आपने विष्णु शंकर जैन को भी सुना जो इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि ये टीम वाकई आधार भी बन सकती है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये कितने पन्नों की रिपोर्ट है। हालांकि नीतीश इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि सूत्र जो बता रहे हैं कि 500 पन्नों से ज्यादा की रिपोर्ट है। नीतीश, इस केस में अगर अगले पहलुओं की बात की जाए तो यही वो रिपोर्ट है जो आधार बनेगी ये पूरे के पूरे इस सच को सामने लाने के लिए ज्ञानवापी के। नीतीश, आकांक्षा जिस तरह से जो सीनियर अधिवक्ता हैं विष्णु शंकर जैन, उनके उनको भी आपने सुना, वो हमेशा कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इस पूरी जो कवायद है, जो ये पूरा केस है, उसमें ये रिपोर्ट खास मायने रखेगी। लेकिन आपको बताऊं कि एएसआई का जो पूरा का पूरा कुनबा है, उसने कौन सी रिपोर्ट तैयार की है, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण है इस केस के लिए, क्योंकि मुस्लिम समुदाय लगातार इस पूरे जो मामला है इसमें कह रहा था कि ये वाद पोषणीय नहीं है, यानी कि ये वाद सुनने योग्य नहीं है। लेकिन हिंदू पक्ष ने कहा हमारे वाद को सुनिए, वाद की सुनवाई हुई,
और इस पर साक्ष्य मांगे गए। जब साक्ष्य मांगे गए तो हिंदू पक्ष ने कहा कि भाई आप सर्वे करवा लीजिए, और सर्वे करवा लेंगे तो साक्ष्य है या नहीं पूरी स्थिति है पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। और इसी आधार पर कोर्ट कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई जिसमें हिंदू मंदिर होने के साक्ष्य मिले। अब उसके बाद भी मुस्लिम समुदाय मानने को तैयार नहीं था, अपना विरोध जता रहा था। तो फिर कोर्ट ने भी कहा कि भाई अगर आप कोर्ट कमीशन की कार्रवाई को पूर्ण नहीं मानते तो आप वैज्ञानिक साक्ष्य ले आइए। तो वैज्ञानिक साक्ष्य के लिए एएसआई सर्वे की मांग हुई, और एएसआई सर्वे की जब मांग को कोर्ट ने मान लिया तो अब एएसआई का सर्वे हो चुका है, और एएसआई के सर्वे की जो रिपोर्ट है वो आज कोर्ट में प्रस्तुत होने वाली है। अब जब यह रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाएगी तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक बड़ा मोड़ आएगा, क्योंकि हिंदू पक्ष जिस तरह से लगातार अपने मंदिर के होने का दावा कर रहा है, अब अगर इस सर्वे में उसके पक्ष की बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष मजबूत होगा, अगर मुस्लिम पक्ष की बातें आती हैं तो मुस्लिम पक्ष मजबूत होगा। हिंदू समुदाय जिस तरह से पिछले सर्वे के दौरान तमाम साक्ष्य मिले थे उसे लेकर अभी भी उम्मीद ज्यादा है, और उसका यह कहना है कि जो साक्ष्य हैं वो तो हैं ही और वो भी मिलेंगे। अब वैज्ञानिक सर्वे का इंतजार था, और यह पूरी तरह से पुष्ट कर देगा कि जो साक्ष्य है, यानी अयोध्या की याद दिलाना चाहूंगा, अयोध्या में भी ये साक्ष्य खास मायने रखे हुए थे, और आज ज्ञानवापी मामले में एएसआई की रिपोर्ट और उसके साक्ष्य बड़े मायने के तौर पर सामने आएंगे। इंतजार करना होगा कुछ क्षणों का और। आकांक्षा, ठीक है नीतीश, शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए। और